गढ़वा जिला के खालवा थाना अंतर्गत पुलिस चौकी रोशनी क्षेत्र के ग्राम भुजुढाना में हुए अंधे कत्ल का आज पुलिस ने खुलासा किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि भैयालाल पिता नानू उम्र 55 वर्ष मृत अवस्था में प्रतीक्षालय के समीप मिला है। सूचनाकर्ता की रिपोर्ट पर थाना खालवा में मर्ग कायम किया गया। पीएम की रिपोर्ट में बताया गया कि मौत गला दबाने से हुई है, जिसके आधार पर थाना खालवा में 302 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की गई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घर के सदस्यों एवं सूचनाकर्ता मनोहरी से सख्ती से पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर मनोहरी ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस के हवाले से आरोपी मनोहरी द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक को रात्रि में उसका और उसकी पत्नी का विवाद हो रहा था, तभी उनका मामा बीच में आ गया। इस कारण भैयालाल से बहस और मारपीट होने पर मनोहरी द्वारा गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई और रात्रि में ही उसको प्रतीक्षालय के समीप ले जाकर पटक दिया। खंडवा पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा SDOP हरसूद थाना प्रभारी खालवा आरोपी मनोहरी पिता कुंजीलाल को ग्राम भोजुढाना से गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया। इस प्रकरण में उप निरीक्षक दीपिका लोखंडे, आरक्षक अभिषेक यादव और आरक्षक योगेंद्र रावत की अहम भूमिका रही। थाना खालवा की रोशनी में दिनांक 16/4/2019 भोजुढाना में जो पिता नानू को उसकी डेड बॉडी बस स्टैंड में मिली थी, इस पे मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था। मर्ग जांच के दौरान बयान दिए गए और PM रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें इसकी जो है जिसमें गला दबाने से इसकी हत्या होना पाया गया था, जिसमें थाना खालवा चौकी रोशनी में अपराध क्रमांक 191/2019 302 का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। उसके परिजनों से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें इसका जो भतीजा है इसने पत्नी से विवाद किया था और बीच बचाव में ये जो है भैयालाल पहुंचा था, तो इसकी इसने गला दबा के रात में हत्या कर दी थी और रात में ही बॉडी